हेलो एवरीवन, मैं आपको वर्लपूल सेमी ऑटो वॉशिंग मशीन के बारे में बताने जा रहा हूँ, कैसा यूज़ करते हैं कैसा नहीं। इसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं, एस सुप्रीम प्लस 7 kg कोरल रेड। इसका लुक आप फर्स्ट देख लेते हैं। फाइव स्टार रेटिंग के साथ में आ रहा है, काफ़ी कॉम्पैक्ट है 7 kg कैपेसिटी में। राउंड टब के साथ में आ रहा है, इस सेमी ऑटो वॉशिंग मशीन में 2 टब दिए हुए हैं, एक वॉश टब है और एक स्प्रिंग टब कपड़ा सुखाने के लिए। ये 2 टब आ रहे हैं इसमें, और इस मशीन का कंट्रोल ये 4 बटन पे है। इन 4 बटन्स के थ्रू आप इस मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट दिया है ये फैब्रिक टाइप्स, लाइक यहाँ पे आप कपड़े के अपनी क्वालिटी जैसी है, लाइक मिक्स कपड़े हैं या हैवी क्लॉथ्स हैं या डेलिकेट क्लॉथ्स हैं, ये आएगा। सेकंड है वॉश टाइमर, जिसके थ्रू आप वॉश टाइमर या फिर सोकिंग के लिए टाइम सेट कर सकते हैं। थर्ड है वॉश, जब भी हम कपड़े को वॉश करेंगे या रिंस करेंगे तो सेम डायरेक्शन में रखना है। सेम डायरेक्शन में अगर पानी को बाहर निकालना है, वॉश टब से वाटर ड्रेन करना है, तो इसे सेम इस डायरेक्शन में मूव करना है। ये हो गया आपका ड्रेन सिलेक्टर। फोर्थ आ रहा है ड्राई टाइमर, मतलब कपड़ा सुखाने के लिए हम इस नॉब का यूज़ करेंगे। ये 4 नॉब्स दिए हुए जो कि इस मशीन का कंट्रोलिंग यहाँ से होगा। अब बात करते हैं वॉश टब की। वॉश टब की बात करते हैं, वॉश टब में ये डिटैचेबल दिया हुआ है, जो इसका कवर आ रहा है ये डिटैचेबल है। इसे आप निकाल के यहाँ भी रख सकते हैं, या अगर आपने कपड़े कुछ इसमें से निकाले तो इसमें रख के आप कैरी भी कर सकते हैं। इसका एडवांटेज यहाँ पे आप ले सकते हैं। अदर्स हम देखते हैं, ये टब के अंदर मूवर दिया हुआ है जो कि कपड़े को मूव करने में हेल्प करता है। ये क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करता है कपड़े को, ये आप देख सकते हैं। एंड लिंट कलेक्टर नेट ये दिया हुआ है, लिंट कलेक्टर है जो कि कपड़े में धागे एंड ऑल आते हैं, इसमें आप कलेक्ट होते हैं और आप इसे ईजिली निकाल के क्लीन भी कर सकते हैं। वॉशेबल है, ये वॉश करके आप लगा सकते हैं। इसके अलावा ब्रश दे रहा है जो कि स्क्रबिंग, कपड़े के स्क्रबिंग में ये काम आता है। जब ये कपड़े क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज रोटेट होते हैं तो ये स्क्रबर के लाइक स्क्रबर काम करता है। ये वाटर लेवल आप देख सकते हैं मेंशन किया हुआ है, ये लो है यहाँ पे, ये लो एंड मीडियम, इसके अलावा हाई और ये वेरी हाई यहाँ पे आ जाएगा। आप कपड़े के अंदाज से आप अपने वाटर को फिल कर सकते हैं, बट मैक्सिमम अगर फिल करना हम यहाँ तक फिल करेंगे वाटर को, यहाँ तक आप फिल कर सकते हैं। मार्किंग किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। राउंड टब दिया हुआ है जिसमें क्लॉथ्स के मूवमेंट काफ़ी ईजिली होते हैं, जिससे वॉशिंग काफ़ी बेटर होगी, कपड़े की वॉशिंग क्वालिटी काफ़ी बेटर होगी, ये आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये इसका कवर है, कवर दिया हुआ है यहाँ पे रखना है। और ये स्प्रिंग टब है, स्प्रिंग टब का डोर साइड में ओपन होता है, ये दोनों डोर हैं स्प्रिंग टब में, और ये इसके ऊपर कवर देगा कपड़े के ऊपर, ये आ जाएंगे स्प्रिंग टब, आप देख सकते हैं। अब देखते हैं इसे कैसा यूज़ करते हैं, इसके बारे में गाइड करते हैं कैसा यूज़ है कैसा नहीं, इस मशीन को हम कैसा यूज़ करेंगे उसके बारे में प्रॉपर आपको बता देते हैं। फर्स्ट हमें क्या करना है, इसमें वाटर फिल करना है वॉश टब में, अपने कपड़े के अंदाज से हमें वाटर फिल कर लेना है। वाटर फिल करके ये कवर ऊपर लगा देना है,
ये कवर आपने ऊपर लगा दिया। और इसमें वाटर फिलिंग के दो ऑप्शन, या तो आप ऊपर से बकेट से फिल कर दें, अदरवाइज पाइप ऑप्शन भी दिया हुआ है। ये इनलेट, ये पाइप साथ में आएगा, इनलेट पाइप, इसके थ्रू भी आप फिल कर सकते हैं। ये पाइप के थ्रू भी एक नल में कनेक्ट कर दें, ये पोर्शन नल में कनेक्ट कर दें और एक पोर्शन इसमें आ जाएगा। और अगर आपको वाटर इस साइड में चाहिए, वॉश टब में चाहिए, तो इसको इस साइड में ही मूव करके रखें, ये लेफ्ट साइड में ही मूव करके रखें। अगर वाटर कभी नीड्स हुई, हमें स्प्रिंग टब में चाहिए वाटर को, तो इसको इस साइड में मूव कर दें, वाटर स्प्रिंग टब में आ जाएगा। फ़िलहाल हमें यूज़ करना है कपड़े को धुलने के लिए, तो हम इसको इस साइड में मूव करके रखते हैं। आप इसके थ्रू वाटर फिल कर सकते हैं, जितना नीड्स है उतना फिल किया, कपड़े दे दिया आपने, डिटर्जेंट देना है। डिटर्जेंट देकर हमें आना है वॉश सेलेक्टर पे, मीन्स फैब्रिक टाइप्स, ये देख सकते हैं फैब्रिक टाइप्स। इसमें तीन ऑप्शन है, हैवी, नॉर्मल एंड डेलिकेट्स। तो अपने कपड़े की क्वालिटी के हिसाब से हम सिलेक्ट कर लेते हैं, मोस्टली नॉर्मल पे ही रखते हैं क्योंकि मिक्स कपड़े रहते हैं, तो ये हमने नॉर्मल पे सिलेक्ट कर लिया। और वॉश साइकिल सिलेक्ट करते हैं, वॉश टाइमर 15 मिनट्स। अगर आपको सोप करके भी रखना है तो ये आप टोटली 40 पे मूव कर सकते हैं, या आपको जितना टाइम रखना है सोकिंग के लिए उतना टाइम के लिए रख सकते हैं। इसमें टोटल टाइमिंग दिया हो 40 मिनट्स का, जिसमें से ये 25 मिनट्स आपके क्लॉथ्स को सोक करके रखेगा एंड 15 मिनट्स वॉश करेगा। ये हो गया, हमने इतना सिलेक्ट कर लिया। इसके अलावा फिर यहाँ पे आएंगे ड्रेन सिलेक्टर पे, इसको इस डायरेक्शन में रखना है, वॉश डायरेक्शन में ही रखना है। इतना करके आपको स्विच ऑन कर देना है। स्विच ऑन करेंगे, ये वॉश टाइमर स्लोली स्लोली आते हुए यहाँ पे ऑफ पे आके बजर देगा, लाइक आपके वॉश कंप्लीट हो गए। ये आप देख सकते हैं बजर भी आएगा, जब ये कंप्लीट होगा ऑफ पे आएगा तो बजर देगा। अभी हमें क्या करना है, जो वॉश क्लॉथ्स हैं इसमें से निकालने या रिंस करना अगर आपको, तो सेम वही प्रोसेस करना है, इसमें से वाटर को, जो डिटर्जेंट वाटर है उस वाटर को ड्रेन कर देना है। यहाँ से ये ड्रेन करना है, ड्रेन सेलेक्ट करेंगे, वाटर आपके डिटर्जेंट वाटर जो भी है इस टब में, ये सारे के सारे आउट हो जाएंगे। आउट होंगे, नॉर्मल मोड में अगेन कर देना है, नॉर्मल मोड में करके फ्रेश वाटर फिल से फिल कर लेना है। फिल करके अगेन आपको 5 मिनट्स या 10 मिनट्स, जैसा आपको टाइम बेटर लगता है, आप अपने हिसाब से अंदाज से सेट करके रख सकते हैं। टाइम सेट कर देंगे, ये कपड़ा वॉश हो गया, एक बार रिंस भी हो गया। अगेन आपको रिंस करना है, सेम वही प्रोसेस करना है, वाटर ड्रेन करना है, ड्रेन करके अगेन इसे वॉश मोड पे रखना है एंड फ्रेश वाटर फिल करके ये अगेन 5 मिनट्स पे सिलेक्ट कर देना है। ये टाइमर आएगा, ये सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करेंगे, ये ऑटोमेटिकली स्विच ऑन करेंगे, ऑटोमेटिकली आके यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। ऑफ होने के बाद आपको बजर देगा, लाइक आपके कपड़े वॉश भी हो गए एंड 2 टाइम्स रिंस भी हो गए, 2 बार खंगाल भी दिया आपने। अभी क्या करना है आपको, इसमें से कुछ कपड़े निकालने हैं सुखाने के लिए, इसमें से कुछ कपड़े निकालने हैं और इस टब में डालने हैं, इस टब में देना है। कपड़े आपके जो भी 5-6 कपड़े जो भी आते हैं इसमें आपको फिल कर देना है। फिल करके ये कवर दिया हुआ है ऊपर से, जो कि स्प्रिंग टब में जब भी हम कपड़े को इन करते हैं तो ये कपड़े के ऊपर रख देना आपको, या आपने कपड़े को ऊपर फिट कर दिया, फिक्स करके इसे प्रॉपर बंद कर देना है। इसको बंद करने, अगर आपने बंद नहीं किया, ओपन ही कर दिया एंड स्विच ऑन करेंगे तो ये ऑन नहीं होता है, तो इसे फर्स्ट आप ऑन कर दें, ये ऑफ कर, बंद कर दें, डोर को बंद कर दें। बंद करने के बाद आना है ड्राई टाइमर पे, ड्राई टाइमर पे आना आपको अपने अंदाज से जितना चाहिए, 3 मिनट्स या 5 मिनट्स, अपने अंदाज से आप टाइम सेट कर सकते हैं। टाइम सेट करके स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे ऑटोमेटिकली ये अगेन यहाँ पे आके ऑफ हो जाएगा। ऑफ होने के बाद क्या करना है, जो भी इसमें से कपड़े बचे हुए हैं वो अगेन इसमें आप निकाल के फिल करके फिर से सेम वही प्रोसेस करना है, 5 या 3 मिनट के टाइमर में सेट करके स्टार्ट कर देना है। ये अगेन आके यहाँ पे रुक के कपड़े को ड्राई कर देगा और जो भी कपड़े हैं निकालना है और फैला देना है इसमें से। काफ़ी ईजी यूज़ है इसका, 5 ईयर्स कंप्लीट वारंटी के साथ में आ रहा है, वॉश मोटर पे 5 ईयर्स कंप्लीट वारंटी है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 ईयर्स वारंटी ऑन वॉश मोटर एंड प्राइम मूवर, देख सकते हैं।